ओके सो इज अनदर अन्फ्यूजन दैट इज कमिंग अप जो बार बार दो तीन बच्चे पूछ चुके हैं बट मुझे लगा नहीं था कि ये कोई कन्फ्यूजन होगा बट अपेरेंटली ये कन्फ्यूजन है एंड दैट इज बिटवीन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ठीक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट वॉज डन या आप कह सकते हो जब वो पॉस्टुलाइट के फॉर्म में था बाद में लॉ बनाया गया लेकिन वो पॉस्टलाइट जब मेंडल ने दिया था तो वो दिया था इस बेसिस पे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक बार चेक करते हैं दोबारा याद है आपको हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के को चेक करना, है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट को थोड़ा साइड रखते हैं अभी पहले अंडरस्टैंड टू लॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों जो पॉस्टूल थे जो बाद में लॉज में कन्वर्ट किए गए देवर अ रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा था कि मेंडल ने एक्जैक्टली exactly पूरा कॉपी डिटो कॉपी सेम दो प्लांट लिए वेराइटी ली एक्सेप्ट कोई एक कैरेक्टर का डिफरेंस चाहे वो सीड शेप हो सीड कलर हो फ्लावर कलर हो पोजिशन ऑफ फ्लावर हो या प्लांट हाइट हो कुछ भी ठीक है तो जब प्लांट हाइट लिया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी टी बाकी सारा कुछ सेम था एवरीथिंग वॉज सेम एग्जैक्टली सेम ठीक है बस capital, एक प्लांट टॉल है एक प्लांट डो है तो यहां से हमारे पास आया लॉ ऑफ डोमिनेंस कि कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है दूसरा रिसेसिव होता है जो डोमिनेंट है वो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है ठीक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस प्रोसेस ये प्रोसेस कैसे हुआ उसको डिफाइन करता है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप एफ वन जनरेशन से एफ टू जनरेशन के लिए आते हो तो आप सेल्फिंग कराते हो उस टाइम पे आप कैपिटल टी स्मटी कैपिटल टी स्मटी अलग अलग लिख रहे हो ना गेमीट्स बना रहे हो गेमीट फॉर्मेशन करा रहे हो दैट इज सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज नथिंग बट बेसिकली गेमीट फॉर्मेशन का तरीका ठीक है जो हम आज की डेट में जानते हैं मियोसिस है तो अगर आप कहीं पर भी बोलते हो कि हाँ दो कैरेक्टर्स अलग जा रहे हैं या आप कभी की भी सेक्शुअल uh, रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो उसमें मियोसिस का नाम हमेशा आएगा बेटा और जब जब मियोसिस का नाम आएगा तब तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्योंकि दो कैरेक्टर्स में से कोई एक ही आपके पास गेमीट में आएगा है ना इज अ म्यूटेशन म्यूटेशन हम के साथ नहीं लेके चलते क्योंकि आर जस्ट रैंडम इवेंट्स कभी कभी हो सकता है बहुत रेयर और रैंडम इवेंट है ठीक तो यहां पे बात हुई सेग्रीगेशन की जब भी सेग्रीगेशन की बात होगी दिमाग में रखना है कि मियोसिस की बात हो रही है और मियोसिस कब होगा जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा गेमीट्स बनेंगे स्पोर्ट्स बनेंगे चाहे जो भी बन रहे मेनली गेमीट्स की बात हो रही है ठीक सेग्रीगेशन इज वेन मियोसिस टेक्स प्लेस वेन देर इज सेग्रीगेशन ऑफ टू एलील्स या जो दोनों जींस है या फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम क्योंकि मेंटल डेमेज फैक्टर्स बोला था तो दोनों अलग अलग चले गए एक गमीट में एक ही एलील होगा एक ही फैक्टर होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपल नाउ कम्स इंडिपेंडेंट असॉटमेंट जो थर्ड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया था कि क्या हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो दैट इज थ्री इज टू वन द फिनोटिपिक रेशियो क्या यही रेशियो जब मैं दो कैरेक्टर्स को पढ़ू तो भी सेम आएगा क्या ठीक है सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट वॉज गिवन फ्रॉम द पॉस्टूलेट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस जो इसलिए किया गया था ये चेक करने के लिए कि क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ही रेशियो फॉलो होता है जब हम दो कैरेक्टर्स को एक टाइम पे पढ़ते हैं है ना आपने इतना जेनेटिक्स अभी आगे धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हो और समझते जा रहे हो यू अंडरस्टैंड हम चीजों को बहुत आइसोलेशन में पढ़ते हैं बट नेचर में इतना आइसोलेशन में होती नहीं है ठीक है तो तू तो, तो जस्ट चेक दैट कि मैंने तो यार मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा ठीक है एक कैरेक्टर पढ़ा बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एक को पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ये रिजल्ट मिल रहा है लेकिन जब मैं दो कैरेक्टर्स को साथ पढ़ूंगा तो रिजल्ट वैरी कर जाएगा ठीक है तो दो फैक्टर्स को उन्होंने जब साथ में लिया जैसे मान लीजिए आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है सीड शेप और सीड कलर का तो उसके लास्ट में आपके पास फिनोटिपिक रेशियो नाइन टू थ्री थ्री टू वन आता है दो कैरेक्टर्स को साथ ले जाने पे लेकिन आप क्लास में देखोगे जब मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था यू विल नो कि कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो रेप्लीकेट हो रहा है कि आप जब सीड कलर को देखोगे अकेले से और सीड शेप को देखोगे तो थ्री टू वन का ही फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है वापस तो वहां पर मैंडल ने बोला कि ठीक है अगर हम दो कैरेक्टर्स को साथ भी पढ़ते हैं तब भी हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो सेम रहता है वो डिविएट नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन वी नो एज वी गो फर्दर इन द चैप्टर हमें समझ में आता है कि यह बात सच नहीं है पूरी कंप्लीटली देर आर एक्सेप्शन लिंकेज आ जाता है जब दो कैरेक्टर्स इतना ज्यादा पास पास प्लेस्ड होते हैं क्रोमोजोम पे कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कराने का चांस नहीं है ठीक है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का चांस नहीं है तो नया कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता उस टाइम पे दो जीन साथ चिपक के जा सकते हैं ठीक है इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटमेंट का एक्सेप्शन लिंकेज जा आ जाता है ठीक लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन आएगा मैम सेग्रीगेशन में भी तो अलग अलग ही जाए थे तो हो रहा था नहीं सेग्रीगेशन एक अलग चीज है अब आप देखो अगर क्रॉसिंग ओवर हो चाहे क्रॉसिंग ओवर ना हो ठीक है चाहे एक्सचेंज हो दो क्रोमोजोम्स के बीच में होमोलोग क्रोमोजोम्स के बीच में चाहे ना हो लेकिन गेमीट में तो एक ही कॉपी आएगी ना बेटा ठीक है या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी कैपिटल वाई वाई, और स्मॉल है ना एक एक जीन का या फैक्टर की एक ही कॉपी एक गेमीट में आना इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ठीक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज जब हमारे पास कॉम्बिनेशन अलग अलग आते हैं इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हैं जब क्रॉसिंग ओवर हुआ कि नहीं हुआ वो चीज डिटरमाइन करने के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट है कहता तो ये है कि हाँ एक जीन दूसरे जीन के कंप्लीटली अलग जाता है बट एज वी गो फॉरवर्ड इन जेनेटिक्स एज वी लर्न मोर एंड मोर हमें पता चलता है कि नहीं देर इज लिंकेज जहां जरूरी नहीं है कि हर एक क्रोमोजोम uh, या हर एक सॉरी uh, हर एक फैक्टर या हर एक जीन इंडिपेंडेंट ही जाए कुछ कैरेक्टर्स साथ में भी जाते हैं कुछ जीन साथ में भी जाते हैं दैट इज कॉल्ड इज लिंकेज ज वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब सब जगह लगा सकते हैं जहां भी ऑसेज होगा वहां सेग्रीगेशन हुआ ही होगा क्योंकि दो क्रोमोजोम अलग अलग गए ही होंगे ठीक है लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कुछ जीन्स बहुत पास प्लेस्ड होते हैं क्रोमोजोम फेन हेन्ड्स कैन गोटूगेदर एंड दैट इज कॉल्ड इज लिंकेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट का एक्सेप्शन आपके पास लिंकेज आ जा जाता है ठीक है और भी कोई डाउट है तो उसको प्लीज कॉमेंट में मैंशन कर देना पहले भी अगर कुछ डाउट्स भेजे थे तो उनको भी एक बार दोबारा लिख देना सो so दैट एक यहाँ पर ही सारा लिस्ट बन जाए और इसी में मैं आपको सब कुछ uh, फिर यहाँ से आई विल कंटिन्यू अगेन एंड यू नो द ड्रिल यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर अपने बाकी फ्रेंड्स को भी मेंशन कर देना ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए एंड आई नो डाउट्स नहीं ले रहे कोई और नहीं लेगा कोई लेकिन हम हैं यहाँ पे एटलीस्ट वॉटनी डाउट्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एंड धीरे धीरे और एक्सपैंड करेंगे इस चैनल को और और भी सब्जेक्ट्स के साथ साथ उसके साथ जोड़ते चले जाएंगे राइट थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब